हाय गाइस, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपना कोई भी सीडी या फिर यूएसबी पेन ड्राइव जो है उसे बूटेबल कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, बूटेबल बनाने की हमें किसी भी ड्राइव को इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसमें कोई जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिवाइस ड्राइवर, तो उन्हें हम इंस्टॉल करके उससे कहीं और जगह जो है वो इंस्टॉल कर सके। तो इसलिए हमें किसी ड्राइव को बूटेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, मैं अपनी एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेता हूँ। मैंने रनिंग पीसी में इसे लगा दिया है। तो यहाँ पे आपको जाके टाइप कर देना है CMD। तो CMD करके आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको यूजर और ये जो आपको नाम दिख रहा है इसके सामने आपको लिख देना है डिस्क पार्ट। तो जैसे आप डिस्क पार्ट लिखते हो तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप खुलता है, तो आपको येस कर देना है। और फिर यहाँ पे एक नई विंडोज खुलती है। आपको डिस्क पार्ट के आगे फिर लिखना है लिस्ट डिस्क। तो लिस्ट डिस्क ऐसे ही आप लिखते हो तो आपके सामने जितनी भी डिस्क आपके अंदर डिवाइस के अंदर स्टोर्ड हैं वो दिख जाती हैं। तो डिस्क 0 ये हार्ड ड्राइव है, डिस्क 1 ये भी हार्ड ड्राइव है। तो यहाँ पे ये जो डिस्क 2 आपको दिख रही है, तो यहाँ पे आपको 28 GB का ये जो USB पेन ड्राइव का सिंबल दिख रहा है, तो ये है, इसे मुझे बूटेबल करना है। तो मुझे लिखना है यहाँ पे सिलेक्ट डिस्क और ये नंबर जो ये डिस्क 2 है। तो आपके उसमें डिस्क 3 4 कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको बनानी है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट डिस्क 2 कर देता हूँ। इसके बाद एंटर कर देना है। इसके बाद मुझे यहाँ पे इस डिस्क को पूरी तरह क्लीन करना है, क्योंकि बूटेबल बनाने के लिए डिस्क में कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए, उस पूरी तरह क्लीन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लीन हो जा चुकी है। और अब मैं यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन करता हूँ। एक नए सिरे से इसमें पार्टीशन करना होता है, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन जो है वो बना लेता हूँ एक। और इस तरह से पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब मुझे सेलेक्ट पार्टीशन 1 कर देना। मैं पार्टीशन 1 को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपके पास विंडोज 8 या फिर आपके पास 10 है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास होगा, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट FS=FAT32 क्विक कर देना है। तो इस कमांड का यूज करना है। अगर आपके पास विंडोज 8 या फिर उससे कम का है, तो आपको FAT की जगह यहाँ पे NTFS लगा देना है। तो इस तरह से आपका जो है वो काम हो जाएगा। तो इसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये 100% कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है एक्टिव। तो ये एक्टिव वेट हो जाएगी आपकी बूटेबल ड्राइव। और लास्ट में फिर हमारा काम खत्म हो चुका है, तो अब इसे एग्जिट कर लेते हैं। तो मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, और ये एग्जिट हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पेन ड्राइव को जो है वो बूटेबल बना सकते हो बहुत ही आसानी से। और फिर आप उसमें कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करके कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।